कावासाकी ये अलग है। इधर से और जा रहे हैं अब घर की ओर। ट्रेनें आई है अभी तो शहर व्यस्त चौराहे जरीब चौकी से हम लोगों को निकलना है। राइड जैसे ख़त्म हो रही होती है वैसे वैसे शरीर को पता चलता है उसको रेस्ट लेना है, तो अपने आप से थकान 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 बॉडी में डाल देता है। और नहीं तो अभी अगर माइंड सेट कर लेना हमें इतना चलना है तो फिर उतना चलना ही चलना है। उसमें कम से कम बैक लाइटें इंडिकेटर ब्रेक लाइट सब सब काम करती है, अच्छा लगता है। इससे आपको समझ में आता है, आइडिया होता है कि आगे वाले का क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो क्या करना चाह रहा है। बाकी जाम को देख के आप लोग समझ गए होंगे जरीब चौकी आ चुका है। हेलो जरीब चौकी या जरीब चौकी रिटर्न्स, 5 मिनट बंद किए हमने और चल दिए आगे आगे एकदम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कटपट मारते हुए। इधर बाइक खड़ी है ना सटी हुई, घुमाऊंगा रगड़ जाएगी, थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी तो निकाल लूंगा। कावासाकी ये अलग है। ये क्या बात करते हैं यार। आप निकलो पहले आप। यहाँ पर आते ही फील होता है आप जरीब चौकी में, क्योंकि जाम झगरगटी और जरीब चौकी दो जगह जाम के लिए फेमस है। मतलब ये दो चौराहे अगर आप अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो फिर जाम में जाम के लिए तो नियम ही है। और ले
कराते हैं आपको, स्पेशल फील कराते हैं, बताते हैं कि आप कुछ अलग हो। फर्जी का हॉर्न देना, फर्जी का। ये था जाम। बस बस इधर जाने के लिए स्लो स्लो आगे गाड़ियां भट रही हैं और इस चक्कर में हम लोगों को रोका गया है। नहीं से भी बच के चलना है जो अचानक से लेफ्ट राइट करते हैं आपके बगल में आके। एक्चुअली रोड पे बाइक से राइड करना ना बहुत आसान काम तो नहीं है, ये तो सबको पता है। एक गलती बूम, और उस समय व्हेन यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, होटल केसर पैलेस गुमटी नंबर 5 आ गया भाई। लोग पहले यहीं रहा करते थे, घर था हमारा छोटा सा किराए का। मजनू बना कर कह जल्दी जल्दी प्यार की बूंद बजा कर बंगले के पीछे हटाला। अरे वाह यहाँ तो दो तीन, अरे गजब भाई ये काम बढ़िया गया इन्होंने। शादी वाला काम कर रखा लोहे स्लेब और दोस्त वही खोल दे शोरूम, ये अच्छा था। ऊपर होटल और नीचे दो शोरूम,